नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी आप हैं मेरे साथ में एक जबरदस्त डिबेट में पहले ही डिबेट से कुछ चीजें डिस्क्लेमर में डाल दी जाती हैं डिस्क्लेमर यह है कि आज यह वीडियो केवल और केवल इस बात के लिए है क्योंकि हाल ही में हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर लीजेंडरी व्यक्ति ध्रुव राठी जी के द्वारा एक वीडियो बनाया गया था जिसमें उन्होंने भारत में डिक्टेटरशिप है या आ रही है इस बारे में चर्चाएं की थी चर्चाएं की थी तो हमारे कई और लिसनर्स ने हमें बहुत सारे मैसेजेस करके ये जानकारी जानना चाहा कि सर वन साइडेड नॉलेज हमारे पास आ गया है क्या नॉलेज सही है या इसमें कोई और तर्क भी है ऐसी स्थिति में जनरली मैं अवॉइड करता हूं कि ऐसे विषयों के ऊपर सेशंस किए जाएं लेकिन आज के सेशन की मजबूरी यह है कि अगर मैं इस पर सेशन नहीं करता हूं तो एक पक्ष जिसमें कि आपको डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है भीड़ तंत्र का मतलब क्या होता है क्या सुधार टेक्निकली इलेक्शन इलेक्टोरल सिस्टम में होने चाहिए ये तमाम बातें रह जाएंगी इसलिए मौके की नजाकत को समझते हुए आज के सेशन को किया जा रहा है ये डिस्क्लेमर है डिस्क्लेमर में एक बात और भी है और वो ये है कि चूंकि ये सेशन ऐसे समय पर हो रहा है जिस समय देश के अंदर चुनाव है चुनाव के समय पर इनका वीडियो आना और चूंकि मैं भी यह वीडियो आपके सामने यह बताने के लिए करूंगा कि डिक्टेटरशिप क्या नहीं होती है संभवतया कुछ लोगों को इस वीडियो से यह अनुभव भी प्राप्त हो कि मैं सरकार के पक्ष में बात कर रहा हूं ऐसी स्थिति में सरकार का पक्ष और विपक्ष दोनों साइड में हटाकर सुनने का प्रयास करिएगा कि डिक्टेटरशिप क्या होती है और अगर रियल में भारत में डिक्टेटरशिप होती तो क्या होता और तीसरा अगर वाकई में कुछ जरूरत है तो वो क्या है जो कि सबसे एंड में आपको रिमार्क के रूप में दिया जाएगा तो सेशन अब यहां से शुरू होता है चलिए शुरू करते हैं बात की जाए डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की तो ऐसी स्थिति में ध्रुवराठी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रहा है और ऐसी स्थिति में हमारे पास में हमारे कई लिसनर्स ने ट्विटर पर सोशल मीडिया पर कई बार कमेंट करके पूछा है कि सर इस विषय पर कुछ बोलिए डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप पर कुछ बोलिए क्योंकि ध्रुव राठी ने किम जोंग उनको और चाइना को बड़ा चढ़ाचा करके बताया है कि कुछ वैसा होने जा रहा है Anyway, नी उन्हों, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा हम अपना व्यू पॉइंट रख देते हैं हैं आप लिसनर पढ़े लिखे लोग हैं। जो समझ में आए उतना ले लीजिएगा लेकिन जब डिक्टेटर्स की बात होती है तो हमें रेडिट का एक बहुत ही अच्छा डेटा निकल निकलकर निकलता जिसमें दिखता है कि डिक्टेटर्स की काउंटिंग ऐसे होती है कि उन्होंने कितने मिलियन लोगों को मारा इसमें जिन लोगों के नाम सबसे ज्यादा चर्चित हैं उनमें हिटलर का नाम आता है जो सत्रह मिलियन लोग मार चुका है ऐसे ही जोसेफ स्टेलिन का आता है जो 23 मिलियन लोग मार चुका है माउजोंग का आता है 78 मिलियन लोगों का आता है तो डिक्टेटर्स की जो परिभाषा आती है उन परिभाषाओं में किम जोंग उन जैसे बाबाओं का भी नाम आता है लेकिन यहां पर हत्याओं से काउंट किया जाता है कि कौन कितना बड़ा डिक्टेटर है बट एनीवे anyway, यहां पर हम इन नंबर्स का सबसे एंड में चर्चा करेंगे चूंकि उस पूरे सेशन में अच्छा इस सेशन के लिए आप में से बहुत सारे लोग वो सेशन पहले देख चुके होंगे नहीं देखा है तो मैं क्रॉस रेफरेंस बार बार लेता चलूंगा कि उस वीडियो में नॉर्थ कोरिया चीन जैसा होने के बारे में कहा गया है निश्चित ही अगर ऐसा है तो चीन के अंदर जिस प्रकार से सरकार के विरोध में बोलने वाले खुद के नेता गायब हो जाते हैं ऐसा संभवतया भारत में हो रहा होता सरकार के विरोध में बोलने वाले जैकमा जैसे अलीबाबा के मालिक लोग गायब हो जाते हैं संभवतया ऐसा भारत में हो रहा होता चर्चा करेंगे सारी बातों की लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं देखिए टाइप ऑफ गवर्नमेंट की जब बात की जाती है ना सरकारें कितने प्रकार की होती हैं इस बात की बात की जाती है तो कहा जाता है सरकार है क्या जनता पर शासन करने वाला कोई तो है लेकिन डेमोक्रेसी में इस जनता के शासन को जनता का ही शासन कह दिया जाता है होना जनता पर ही शासन है तो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन डेमोक्रेसी है लेकिन शासन कौन कर रहा है जनता जब शासन कर रही है तो डेमोक्रेसी है और उस जनता को हटाकर अगर राजा शासन कर रहा है तो राजा शासन कर रहा है तो मोनार्की है राजा संसद के साथ मिलकर के कर, कर रहा है तो उस मोनार्की के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शब्द जोड़ दिया गया है अगर राजा के स्थान पर सेना शासन कर रही है तो सैनिक शासन है जनता के स्थान पर शासन करने के लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो अपनी सीट को छोड़ ही नहीं रहा है ना वो इलेक्शन की बात करता है यानी कि लोगों को ना तो वोट देने की बात करता है और ना ही लोगों को बोलने की इजाजत देता है ये वो दो पॉइंट हैं जो डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ी पहचान बनते हैं पूरे सेशन में इन दो चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करके चलिएगा नंबर पहला लोगों को वोट देने की ताकत और नंबर दूसरा लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी मैं केवल इस सेशन की शुरुआत में एक लाइन बोल करके इस विषय को और आगे बढ़ाऊंगा जब लोग डिक्टेटरशिप की चर्चा कर रहे थे मेरी टीम ने मुझसे पूछा कि सर आप इस विषय पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं मैंने कहा यार ये केवल एक ठीक है व्यू रखने का तरीका हो सकता है किसी व्यक्ति का बोले नहीं लोग बड़ा डिमांड कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है क्या मैंने केवल एक पॉइंट अपनी टीम को रेज किया था जो मेरे अंतर मन का भाव था कि अगर सही मायने में देश के अंदर डिक्टेटरशिप रही होती ना तो हमारे देश में सोशल मीडिया पर यह जो डिक्टेटरशिप वाला वीडियो है ना ये आया ही नहीं होता मेरे प्यारे साथियों चीन के अंदर YouTube नहीं चलता है Facebook नहीं चलता है WhatsApp नहीं चलता है। नॉर्थ कोरिया में तो बाहर की कोई सूचना एंटर नहीं कर सकती है बाहर की फिल्में तक अंदर एंट्री नहीं करती हैं। अगर सही मायने में इंडिया में डिक्टेटरशिप रही होती तो भारत में सरकार के विरोध में बोलने वाले चाहे पत्रकार हो चाहे यूट्यूबर्स हो उनकी मास फॉलोइंग नहीं होती हमारे देश के अंदर अगर सही मायने में डिक्टेटरशिप होती ना तो ये सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच होती, बोलने की आजादी रुकती हाँ कुछ लोग बाल कलाकार है हैं कि ध्रुव भाई ने तो विदेश में बैठ के जर्मनी से बैठकर वीडियो बनाया है सरकार इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ पाई है मैं आपका त्रुटि सुधार कर देता हूं उन्होंने चाहे कहीं से भी बैठकर वीडियो बनाई हो अगर देश की टेरिटरी के अंदर यूट्यूब भी वीडियो चला रहा है सरकार चाहे तो उसे रोक सकती थी अर्थात जिस प्रकार से निर्भया गैंग रेप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी सरकार ने मना कर दिया था कि नहीं इससे हमारी देश की इमेज खराब होती है इसे नहीं प्रसारित करिएगा सरकार चाहती तो उस वीडियो को रोक सकती थी आज चाहे अभिसार शर्मा हो चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो चाहे रवीश कुमार हो सरकार को पानी पी पी कर सवाल करते हैं और जहां जहां मन में आता है वहां वहां कोसते हैं अच्छी बात है आजकल तो पत्रकारों को देखकर यह फीलिंग आने लगी है कि पत्रकार दो प्रकार के हो गए हैं एक वो पत्रकार जो सरकार की तारीफ में लगे हैं एक वो वो पत्रकार जो सरकार को कोसने में लगे हैं यानी सत्ता पक्ष के पत्रकार और विपक्ष के पत्रकार अब तो याद आने लगी है डीडी वन के टाइम की जिस समय एक पत्रकार आया करता था दोनों बातें सुनाया करता था सरकार की यह योजना है विपक्ष ने यह आंदोलन किया है आजकल वो पत्रकारिता कहीं गायब हो गई है लेकिन जनता को अपने विरोध को दर्शाने के लिए कहीं ना कहीं कोई स्थान चाहिए होता है सोशल मीडिया सबसे सस्ता स्थान है कोई भी पत्रकार माइक कैमरा टीवी एक्शन करके शुरू हो जाता है न्यूज़ चैनल बनाने में करोड़ों रुपया खर्च होता है सोशल मीडिया भरपूर तरीके से चल रहा है और अगर सरकार चाहती तो ये सारी चीजें कार्टेल हो जाती ये बात तय मानिएगा आज आपको सरकार के विरोध में जो भी बातें पता चलती हैं वो पता तो सोशल मीडिया से ही चलती हैं और वो जब सब सरवाइव कर रहे हैं चाहे कोई राजनेता हो हम किसी राजनेता का डेडिकेटेडली नाम नहीं लेंगे लेकिन आप कौन सा राजनेता उठाइए चाहे अपोजिशन में उठाइए चाहे पोजिशन में उठाइए चाहे धर्म के आधार पर उठाइए चाहे क्षेत्र के आधार पर उठाइए कौन व्यक्ति है जो सरकार के बारे में खुलकर नहीं बोल पा रहा है सब तो बोल रहे हैं बोल रहे हैं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का होती है खैर चलिए कोई नहीं हम वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर हमने सत्ता के प्रकार बताने का प्रयास किया राजा रानी की सत्ता मोनारकी है कॉन्स्टिट्यूशन अगर साथ जुड़ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनारकी है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है डेमोक्रेसी है डिक्टेटरशिप में जो व्यक्ति है वो लगातार बना रहता है ऐसी स्थिति में चाहे बेलारूस के ये लुकाशेंको हो चाहे फिर फिलहाल के लिए किमजोंग उन हो ये सब वो क्षेत्र के अंदर लोग हैं जो अपनी सत्ता को जाने नहीं देते हैं खैर कोई बात नहीं अब हम इनको बकायदा आपको पॉइंट वाइज बताते चलेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको यह समझा पाए किन किन आधारों पर आपके दिमाग में यह बैठे कि हमारे देश में डिक्टेटरशिप नहीं है हाँ एक चीज है और वो क्या है मेजोरिटेरियन सरकार है बहुमत की सरकार है और चूंकि बहुमत की सरकार एक धर्म विशेष के साथ है हिंदू धर्म की मान्यताओं को प्रचारित करती है हिंदू धर्म के संरक्षण की बातें करती है प्रचार प्रसार की बात करती है ऐसी स्थिति में 80 प्रतिशत भारत की जनसंख्या जो कि बहुसंख्यक है उनके हिसाब से वो फेवरेटिज्म की सरकार प्रतीत होती है ऐसी सरकार के विपक्ष में बैठे लोग जिन्हें लगता है कि बाकी लोगों के हित में बात नहीं है आज योजना हो चाहे, चाहे किसानों को राहत देने की योजना हो जो ये कहकर आए कि यह हिंदुओं को मिलेगी मुसलमानों को नहीं मिलेगी ईसाइयों को मिलेगी सिखों को नहीं मिलेगी ऐसा नहीं होता है हमारे देश में सारी योजनाएं सभी धर्मों के लिए एक साथ आती हैं लेकिन सरकार जब अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर जैसा विषय लेकर आती है तो फिर कुछ लोगों को यह कहने का स्थान मिलता है कि सरकार बहुसंख्यकों को ध्यान में रखकर बात कर रही है जी नहीं अगर इस बात को रिवर्स पूछ लिया जाए और यह कहा जाए क्या क्या बहुसंख्यक होना गुनाह है क्या देश के अंदर हिंदू होना गुनाह है क्या यह होना गुनाह है कि 80 परसेंट इस देश की आबादी होते हुए भी उनकी जो मान्यताएं हैं जो पैदा होते ही राम नाम के साथ चर्चाएं शुरू होती हैं राम नाम सत्य पर खत्म होती हैं और उन्हीं राम को अपनी जगह नहीं पता है आप सोचिए काशी विश्वनाथ जैसे स्थान को साढ़े तीन सौ साल की लंबी बैटल झेलनी पड़ती है प्रमाण है कि कितनी बार न जाने वहां पर भगवान शिव के मंदिर को तोड़ा गया है उसके बाद भी हम भगवान शिव के लिए लोकल कोर्ट में जाकर के आस्था की बात करते हैं विचार कीजिए कि ज्ञान व्यापी टेम्पल ज्ञान व्यापी जो मॉस्क का मुद्दा है वो अभी भी इस विषय पर अटका हुआ है कि टेम्पल है कि मॉस्क है आप विचार कीजिए साथ ही साथ चाहे फिर वो कृष्ण की भगवान की मूर्ति बहुत सारी बातें हैं चाहे मथुरा का मामला हो इस बातें अगर डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की बात की जाए अगर सरकार वाकई में डिक्टेटरशिप पर आ जाए अगर इंतजार नहीं करना पड़ेगा लोगों को बरगलाना बहुत आसान है यह कहना बहुत आसान है देखिए डिक्टेटरशिप है इसलिए ऐसा हो रहा है विचार कीजिए राम मंदिर की आज हम चर्चा करते हैं धर्म के नाम पर हम बात करते हैं उस राम मंदिर को बनाने के लिए ना जाने के इतना संघर्ष कोर्ट के अंदर हुआ है भगवान को खुद अपना एविडेंस देने के लिए रामलला खुद अपना केस लड़े हैं वो जाकर अपनी बातें बोले हैं मतलब वकील ने उनको इस तरह से पेट्रॉन प्रेजेंट किया है कि सर मैं इनके बिहार पर बात बोल रहा हूं जब भगवान खुद कोर्ट की शरण में हो गुरु मतलब वो देश को आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है है डिक्टेटरशिप आ गई है डिक्टेटरशिप होती तो ना जाने कब का हमारे देश के अंदर बहुत सारे धार्मिक स्थलों का अब तक मामला सुलट चुका होता हमारे देश के अंदर यह स्थितियां नहीं होती काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के अंदर घुसा हुआ यह मॉस्क नहीं होता हमारे देश के अंदर यह स्थितियां नहीं होती कि साढ़े तीन सौ साल से काशी विश्वनाथ का डिस्प्यूट आज भी चल रहा होता हमारे इतने सारे प्रमाण जो ये दर्शाते हैं कि मंदिर के अंदर मतलब मॉस्क के अंदर मंदिर के प्रमाण है वो होने के बावजूद दिया मामला कोर्ट में नहीं चल रहा होता डिक्टेटरशिप में सीधा फैसला होता है ये होना है है हो गया कोर्ट का महत्व खत्म हो चुका होता सुप्रीम कोर्ट जब बिठा करके अभी चंडीगढ़ के मेयर वाले मामले में जब मामला बदलकर मेयर बिठा देती है सुप्रीम कोर्ट ना जाने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे विषय पर आकर खत्म कर देती है, कि नहीं, ये गलत है। ऐसी स्थितियां नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं होता डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे मजबूत तीन पिलर हैं उनके अंदर न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका की बात की जाती है आज हमारे देश के न्यायपालिका जब कुछ ऐसे फैसले देती है जो सत्तारूढ़ पार्टी को फायदे में होती है तो लोग कहने लगते हैं न्यायपालिका बिक गई है और जब लोग ये कह जब ये देखते हैं कि सत्ता पक्ष के विपक्ष में इन्होंने कह दिया तो बोले न्यायपालिका गजब का, का काम कर रही है तो भाई हमेशा अगर दो ही पक्ष होने लगे तो कभी सत्ता पक्ष में भी चीजें होंगी और कभी विपक्ष में भी चीजें होंगी और ऐसी स्थिति में अगर न्यायपालिका ऐसे फैसले देती है कि इलेक्टोरल खराब चीज है तो कहा जाता है कि न्याय बरकरार हो गया डेमोक्रेसी बच गई है और जब चंडीगढ़ जैसे मामले पर सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम से ही आप तक ऐसी बातें पहुंचती है खैर इन सभी चीजों के साथ साथ हम आपके सामने ये सारी बातें इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मेरा इस सेशन को आज संडे था हम संडे के दिन जनरली सेशन नहीं करते हैं कि छोड़ छोड़ते हैं मैं करने तो संडे वार्ता आ रहा था मैंने कहा कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब देखे चले आते हैं पर मैंने कहा ठीक है कुछ एविडेंस के साथ बातें करते हैं एविडेंस के साथ बातें करेंगे और केवल यह बताने की बात प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में हमारे देश के अंदर डिक्टेटरशिप है तो आपको ना ये सारी जो न्यूज देखने को मिलती है कि मथुरा का शाही ईदगाह मॉस्क हो जिसको लेकर के ये कहा जाता है मंदिर के बगल में मॉस्क है लोग विचार करना चाहते हैं क्या चल रहा है भाई अच्छा एक सवाल फिर और उठता है सर आजकल देखने को यह मिल रहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी निकल करके सरकार में घुस जा रहा है बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए घुस जा रहा है राजनीतिक पार्टियों में जिनके ऊपर आरोप लगे हैं जांच एजेंसीज के वो पलट करके इनकी पार्टी में आके मिल जा रहे हैं अगर हम इसके अंदर बहुत गहराई तक घुसेंगे ना तो यह इतिहास पूरा रंगा हुआ है रंगा हुआ ऐसा है कि आया राम गया राम जो शब्द है ना वो नेताओं के पार्टी बदलने के लिए ही बना था एंटी डिफेक्शन लॉ आज का नहीं आया हुआ है फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइन एटीन एटी फाइव में आया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो इसलिए बना था कि राजनेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते सरकारें गिर जाती हैं अटल जी की तो सरकार केवल एक वोट के चलते गिर गई थी कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर राजनेताओं का पार्टी बदलना आप जैसे मेरे जैसे जो लोग हाल ही में राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे हैं उनके लिए अचानक बड़ा मतलब चिंता का विषय हो सकता है कि यह क्या हो रहा है हमारे राजनेताओं ने इसीलिए मैंने आपसे कहा सेशन के अंत में हम चर्चा करेंगे कि होना क्या चाहिए राजनीतिक पार्टियों को अपने लिए कुछ खुद के कोड ऑफ कंडक्ट बनाने होंगे कि हमारे लोग नहीं पार्टी बदलें ऐसा कोई नियम बनाना होगा मुद्दा ये नहीं है हो क्या रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के नाम पर कहा जाता है कि देखिए राजनीतिक पार्टियों के नाम पर केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसी के पक्ष में सब लोग हो रहे हैं चलिए तो चलिए इस बारे में भी थोड़ा सा आपको फैक्ट्स दे देते हैं फैक्ट्स ये है हमारे देश के अंदर वर्तमान के अंदर लास्ट के मई के हिसाब से 2023 के हिसाब से इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर जानकारी दूं तो छह नेशनल पार्टी हमारे देश के अंदर सत्तावन स्टेट पार्टी हैं अगर हमारे देश में डिक्टेटरशिप होती ना तो केवल एक ही पार्टी होती ध्रुव <laughs> भाई ने वीडियो के अंदर एक बात बोली है कि सिंगल पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरह चाइना की तरह काम कर रहे हैं भाई यहां आज आपको ये बहुत सारे डेटा देंगे हम यहां पर जैसे आपको ये पता चलेगा कि ये बात बोलना बड़ा अच्छा है क्योंकि बिकती तुरंत है ये बात लेकिन इसके अपोजिशन में बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं विचार करके देखिए आप विचार करिए कि यहां पर छह नेशनल पार्टी सत्तावन स्टेट पार्टी हमारे देश में है दो हजार पांच सौ सत्तान अनरिक मुझे मालूम है आज आप में से बहुत सारे लोग एक लाइन बहुत अच्छे से बोलेंगे कि सर आप सरकार के प्रवक्ता बनकर आ गए हैं बिल्कुल आप सही कह सकते हैं ये आपका तर्क हो सकता है कि आप क्योंकि जो पक्ष उन्होंने रखा है वो सरकार के विरोध में रखा है लेकिन मैं उस जगह आकर खड़ा हुआ जो उस बात को क्लियर करने आया है कि डिक्टेटरशिप वास्तविकता में होती क्या है इस बात के माध्यम से अगर आपको यह लगता है कि मैं सरकार का बचाव कर रहा हूं तो यह सही लग रहा होगा क्योंकि मैं इस बात पर बिल्कुल डिफेंस फील नहीं करूंगा कि आप मैं अपने आप को ऐसा करूं कि नहीं साहब आप गलत बोल रहे हैं आप फील करिए मैं फील कराने आया हूं आगे बढ़ता हूं है ना क्योंकि गलत तो नहीं सुनने देंगे ना आपको थोड़ा और बढ़ते हैं ये हमारे देश के अंदर छह राजनीतिक केंद्रीय पार्टियां हैं अब आप में से कहेंगे इन पार्टियों को दिखाने का मतलब क्या है मतलब ये है कि जिनकी बात उन्होंने की है चाहे नॉर्थ कोरिया हो चाहे चाइना हो वह सिंगल पार्टी का शासन चलता है बोले नहीं साहब उन्होंने यह भी कहा है कि सिंगल पार्टी ही इंडिया के अंदर हो जाएगी तो मेरे भाई यहां पर एक बार देख लीजिए पूरे दस साल कंप्लीट करने जा रही है एनडीए गवर्नमेंट केंद्र में हाल के के राज्यों अगर आंकड़े दिखा दिए जाए ना तो केवल छह राज्य ऐसे हैं अट्ठाईस में से भारत के अंदर जहां बीजेपी का शासन है अगर केंद्र में इतनी पावरफुल सरकार हो उसके बाद भी छह राज्य ऐसे हो जहां पर केवल बीजेपी का शासन है वहीं पर कॉलिशन की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर बीजेपी ने यूपी महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक में कॉलिशन किया हुआ है केवल 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के सहयोग के साथ सरकार बनी है यानी कि 50 परसेंट के आसपास भारत के स्थान ऐसे हैं जहां पर मेजिट मै, मतलब मेजोरिटी के अंदर स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार ये राज्यों के आंकड़े हैं कौन सी कौन सी पार्टी कहां कहां सरकार बनाई हुई है बीजेपी के साथ बारह राज्यों में ही सरकार बनी हुई है भाई तो बाकी राज्यों में क्या चल रहा है अगर डिक्टेटरशिप होती तो ये सारे के सारे राज्य और यूटीज में केवल एक ही पार्टी की सरकार होती अगर यू... मतलब ये जो कहा जा रहा है ना कि ऐसा हो जाएगा ऐसा दस साल में तो नहीं हुआ जब केंद्र में आप बैठे हुए थे तब से लेकर एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं बदल करके चुनाव के अंदर स्थितियां हर व्यक्ति को अपनी बातें रखने की आजादी है आप आजादी इस हद तक देखिए कि अगर हमारे देश में वाकई वाकई में डिक्टेटरशिप होती 80 की मतलब बात कही जाती बहुसंख्यकों को ध्यान में रखकर कोई राजनीतिक पार्टी शासन कर रही होती तो ये स्टेलिन कुमार इस प्रकार की बातें नहीं कर रहे होते कि सनातन देश के अंदर एक मलेरिया है एक डेंगू है आप विचार कीजिए तमिलनाडु के सीएम के सुपुत्र हैं ये दुनिया भर के देश धर्म के नाम पर इतना ऑफेंसिव फील करते हैं आपको याद होगा नुपुर शर्मा का एक मामला जिसमें उन्होंने पैगंबर साहब के ऊपर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी कतर ऑफेंडेड फील कर गया था कि ये आपने कैसे बोल दिया बीजेपी ने उन्हें प्रवक्ता के पद से हटाया था विचार कीजिए डिक्टेटरशिप होती तो ऑफेंसिव फील नहीं करते आप विचार कीजिए डिक्टेटरशिप होती तो ये व्यक्ति आज सत्ता में नहीं होते लोग विरोध में खड़े हो जाते आप कितना टॉलरेट होकर के चीजें सुन रहे हैं आप इस प्रकार की बातों को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि ठीक है ये इनके भी विचार हो सकते हैं तमिलनाडु के सीएम के पुत्र इस तरह की बातें बोल रहे हैं एक एक मंत्री खड़े होकर बोल दे रहे हैं कि बीजेपी केवल गोमूत्र स्टेट में जीतती है डिक्टेटरशिप होती तो ऐसी बात के ऊपर ना जाने क्या कुछ हो चुका होता डिक्टेटरशिप को कहना फैसिनेट करना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमने किताबों के अंदर हिटलर को इतना ज्यादा चढ़ा पढ़ा के कर दिया ना हिटलर मतलब तानाशाही डिक्टेटरशिप मतलब कोई बहुत ही खूंखार तरीके से शासन होता होगा चूंकि हमने हिटलर का शासन देखा नहीं है किताबों में पढ़ा है लगता है यही वही हो रहा होगा एक करोड़ लोग हैं हम 140 करोड़ लोगों के सारों के विचार सबकी आवश्यकताएं सबकी जरूरतें सबकी दिशाएं एक जैसी नहीं हो सकती सबके दिमाग अलग अलग दिशाओं में हैं, सबकी अपनी अभिव्यक्ति हैं सब अपनी अभिव्यक्ति के लिए आजाद हैं। एक जैसे लोग जब मिलकर के सत्ता में आते हैं तो वो बहुमत का सरकार बनता है बहुसंख्यक का सरकार बनता है हमने हालांकि इन सब चीजों पर सेशन ऑलरेडी किए हुए हैं बात आई उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि देश के अंदर चंडीगढ़ के अंदर एक व्यक्ति इस प्रकार खुले आम उठा करके मेयर का इलेक्शन बदल दे रहा है मैंने इस पर भी सेशन किया था मैं केवल इतना सा कहना चाहूंगा भाई मेरे अगर देश में डिक्टेटरशिप होती तो मेयर जैसे पद के लिए इतनी जुगत लगानी पड़ती क्या सीधा नहीं बता दिया जाता कि यह आदमी मेयर होगा विचार कीजिए ना मतलब यह कॉमन सेंस है हम डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं एक आदमी चीटिंग कर रहा है तो मतलब कितना कमजोर डिक्टेटर है हमारा यार कि आपको होना मैंने बार, मैं इस पर लास्ट में रिमार्क दूंगा आप लोगों को आप ये जो देखते हैं ना जो लोकल लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट्स होती है ना पंचायती राज गवर्नमेंट हो नगर पालिका नगर परिषद वाले जो न, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हो इनमें आए दिन पार्षदों के लात घुसे चलना यहाँ के चेयरमैन के पद को लेकर मेयर के पद को लेकर लड़ाई होते रहना ये सुर्खियां हैं आज की नहीं है पूरे देश में जब से ये चले आ रहे हैं लोकल जो बॉडीज हैं उनके अंदर ये चीजें चल रही हैं तो मुद्दा ये है कि ऐसी स्थिति में एक उदाहरण को पिन पॉइंट करके देखा डिक्टेटरशिप आ रही है मेरे भाई इसके आधार पर देखोगे तो अपने देश में ना जाने कितने नगर निगम कितनी नगर पालिकाएं जिसमें हर दिन बाड़ेबंदी की घटनाएं होती हैं सूचना वहां पर सुधार की दी जानी चाहिए कि यह सुधार कर दिया जाए तो मैं दूंगा एंड में आपको इस विषय पर भी सुधार दूंगा मैं एक एक चीज पर बोलूंगा हर विषय के ऊपर सुधार की बातें करूंगा चिंता मत करिए लास्ट में मैं केवल यह बता रहा हूं डिक्टेटरशिप होता तो ये सब नहीं होता डिक्टेटरशिप होता तो हमारे हर जगह पर लोकल बॉडीज के अंदर जो आए दिन पत्थरबाजी होती है नहीं होती ऊपर से आदेश आता यह व्यक्ति बनेगा बन जाता ठीक है डिक्टेटरशिप होता तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से कैंडिडेट बदल नहीं देता डिक्टेटरशिप बहुत खतरनाक चीज होती है जनाब अगर डिक्टेटरशिप होता तो ईडी और सीबीआई जिसके डर को दिखाकर लोगों को डराया जाता है कि जांच एजेंसीज को भेजकर ऐसा किया जा रहा है क्या आपको यह नजर नहीं आता केजरीवाल साहब को सात बार ईडी का समन दिया जा चुका है केजरीवाल साहब खुद आईआरएस ऑफिसर थे उनकी वाइफ ऑलरेडी ऑफिसर हैं। जब साहब आप खुद एक नियम बाउंड अधिकारी रहे हैं आपको कम से कम अगर आप सही हैं तो जांच एजेंसीज को सहयोग देना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है क्योंकि केजरीवाल साहब जब शुरुआत में लोकपाल बिल लेकर के आने की डिमांड किए थे उस समय पर तो उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही थी ना कि अगर कोई गलत है तो जांच करानी चाहिए जांच कराने के लिए सहयोग दीजिए ना कौन रोक रहा है और आप आप सही तो सही सही हैं तो तो के रह जाएंगे हाँ, सात बार ईडी बुलाए तो, यानी कि आपने खुद खुद ने खुद को सर्टिफिकेट दे लिया कि मैं तो एकदम क्लियर हूं झारखंड के भी इसी प्रकार सोरेन साहब को उठाने के लिए ईडी दस बार समन की थी अब मुद्दा यह है कि जांच करना सही है कि गलत है सबसे बड़ा मुद्दा इस पर भी मैं एंड में रिमार्क दूंगा जो यही रिमार्क है कि आप अपोजिशन के लोगों के ऊपर जांच बिठा रहे हैं यह एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है तो भाई सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकार को दूसरे की कमी तो दिखाई देंगी ना आप में ताकत है तो सबूत लाइए ईडी के पास जाइए बताइए कि सरकार ने यह घोटाला कर दिया उजागर करिए ना कौन सी जांच एजेंसी है जो मना कर रही है एक बड़ा कॉमन मुद्दा है ये और हर व्यक्ति इसको उठाए घूम रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ जांच बिठा रही है चलिए रिवर्स करते हैं विपक्ष के पास जिम्मेदारी देते हैं सत्ता पक्ष का घोटाला उजागर करिए और सीबीआई और ईडी के पास जाइए और अखबार में उसे पब्लिश कर दीजिए यह घोटाला था हम सीबीआई के पास गए थे लोकपाल के पास गए थे ईडी के पास गए थे उन्होंने हमारा मामला नहीं लिया सोशल मीडिया की ताकत है ना अपोजिशन के पास जाइए ना रिवर्स काम करके देखिए क्योंकि आरटीआई जिस तरह से डलती है ऐसे ये भी डल जाएगा बड़े सारे मुद्दे हैं अगर डिक्टेटरशिप होती तो ना जाने हर दूसरा अपोजिशन का आदमी जेल में होता सुप्रीम कोर्ट सरवाइव नहीं कर रही होती और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं यही कहूंगा सोशल मीडिया पर ये जितने भी पत्रकार आपको दिखाई देते हैं उनके इतने तेजी से बढ़ते हुए व्यूज उनके इतनी तेजी से बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स होते ही नहीं केवल इस बात के लिए इतना समझ लीजिए कि चाइना में यूट्यूब नहीं है फेसबुक नहीं है इंस्टा नहीं है नॉर्थ कोरिया में तो कुछ भी नहीं है चाइना ने सब कुछ अपना बना रखा है विदेशी न्यूज तक चाइना में फ्लोट नहीं हो सकती है विचार कीजिए आज हमारे देश में आप सब लोग पानी पी पी के सरकार से सवाल करते हैं जहां मौका मिलता है वहां कोसते हैं अच्छी बात है देश के अंदर दोनों बातें पता होना अच्छी बात है लेकिन यह कह देना कि देखिए सरकार ने ऐसा किया था अरे सरकार के पास कितने यंत्र है मेरे भाई अगर चाहती तो आप लोग कैसे एग्जिस्ट कर रहे होते अभिव्यक्ति की आजादी सबसे पहले डिक्टेटरशिप के अंदर करटेल होती है इन सभी बातों के साथ में कुल मिलाकर हाँ एक और मुद्दा बहुत सारा उठता और वो है, EVM का के मुद्दा. EVM को है ना तो ये हैक हो सकती है और ना ही इसे टैंपर किया जा सकता है मतलब इसको बदला जा सकता है लेकिन ईवीएम पर दोष वाली बात की ना सुना जाने आंगन टेढ़ा ईसीआई ने इसलिए ओपन चैलेंज दिया कि चलिए एक काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ अगर आपको लगता है कि आप इसे हैक कर सकते हैं ना आइए ओपन चैलेंज है इसे हैक करके दिखाइए आप हैक करके दिखा देंगे ईवीएम का सिस्टम हम हटा देंगे अब आपको आप बुलाया जा रहा है कि आप ईवीएम को हैक करने आइए आप हैक करने भी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आरोप लगा रहे हैं तो ये तो वो वाली बात हुई कि आप हारने के बाद में जैसे कई बार कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होता तो आप दोष किसी और के ऊपर दे देते हैं कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया था तो बुआ की शादी थी है ना तो भुआ के ऊपर बिचारी के ऊपर दोष दे दिया कि आप नहीं पढ़ पाए ठीक है तो ये बिल्कुल वैसा है और अगर ऐसा है तो ईसीआई e -E आपको बुलाता है हमेशा जाइए सुप्रीम कोर्ट है आप सबके लिए ठीक है कुल मिलाकर के ये सारी बातों के सार में अब आती है बात मेरे अल्टीमेट कंक्लूजन की ये सारी बातें छोटे छोटे प्रमाण के रूप में वार्ता के रूप में, में लेके आया कि डिक्टेटरशिप होती तो क्या होता अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सुधारों की सुधार के मतलब क्या क्या चाहिए हो सकता था अगर वाकई में अभी जो फिलहाल चीजें दिख रही हैं वो क्या हैं जिसको डिक्टेटरशिप बताकर डराया जा रहा है वो नहीं तो क्या है चलिए मैं बताता हूं देखिए अभी बहुमत की सरकार बढ़ती जा रही है बहुमत की सरकार से मतलब अभी बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कह दिया कि हम 400 सीटें एनडीए गठबंधन पार करेगा 370 अकेली बीजेपी लेके आएगी ऐसी बातें जब होती हैं तो अपोजिशन को लगता है कि कुल पांच में से 400 तो यही क्लेम कर दिए तो हम कहां जाएंगे तो बहुमत जब बढ़ता है एक जैसी विचारधारा के लोग ज्यादा होते हैं तो जो बची हुई विचारधारा के लोग हैं उन्हें लगता है कि बहुमत का शासन दैट मीन डिक्टेटरशिप लोकतंत्र की अगर कोई कमियां गिनाने निकले ना तो उसकी सबसे बड़ी कमी यही है यहां पर भीड़ तंत्र भी चलता पैरल ही है यहां पर उन लोगों का भी विचार मायने रखता है जिन्हें आप संभवतया अपने यहां पर सर्वेंट रखते हूं। हो सकता है जिन्हें आप नौकरी देते हो हो सकता है आपकी कंपनी में पचास हजार लोग काम करते हो आप मालिक हो लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम में उन पचास हजार लोगों के वोट की वैल्यू आपके वोट की वैल्यू के बराबर नहीं है एक जीक्वल टू पचास हजार नहीं है पचास हजार इज फार 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 ग्रेटर देन वन यानी दे इंडिविजुअली ट्रीटेड एज सिंगल वोट है ना इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र की जब बात की जाती है तो उसकी कमियों में जिन्हें काउंट किया जाता है कि क्या गलत है गलत यह है कि ऐसी स्थिति में असमानता का जो भाव उत्पन्न रहता है कि जिसके विचार ज्यादा जिसका धर्म की मेजोरिटी ज्यादा जिसका क्षेत्रवाद ज्यादा जिसकी भाषा की बातें ज्यादा जिसकी जाति का भाव ज्यादा जिसका पैसा ज्यादा जिसकी विचारधारा ज्यादा वो लोग हमेशा अपने आदमी को जिता के ले जाते हैं तो यह कहने का मतलब यह है कि देश में अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिफाइन करने के तरीके चाहिए तो यह विचार करना होगा कि कैसे इसमें और संशोधन किए जा सकते हैं जैसे अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही जाए तो वो ये है कि डेमोक्रेसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड की जा सकती है चीज क्या है सबको वोट देना मैंडेटरी करा दिया जाए कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो किसी भी प्रकार से चाहे आप उनसे ये कहिए कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न में इस बार टैक्स बढ़ जाएगा आप उन्हें इंसेंटिवाइज करिए या पिनलाइज करिए लेकिन वोट देने के लिए मैंडेटरी करिए देश के अंदर बहुत सारे लोग जो इस समय सोशल मीडिया पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं ट्रोलिंग कर रहे हैं कमेंटबाजी कर रहे हैं अगर ये सब लोग भी वोट देने चले जाए ना तो भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है क्यों ऐसा होता है कि हमारे लोकसभा के चुनाव में 60 से पैंसठ फीसदी मतदान होता है राज्य मतलब जो अपने विधानसभा के चुनाव में 70 से पचहत्तर फीसदी मतदान 100 परसेंट लोग हैं कहां उसमें सुधार करने की आवश्यकता है नंबर एक नंबर दूसरा जब बात आती है कि आपको ये ये तो डेमोक्रेटिक पार्ट के हिसाब से मैंने आपको बात बताई बात की जाए रिलीजियस फ्रीडम की बात की जाती है कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर रिलीजियंस को समानता कैसी दी जाए क्यों नहीं दी जा सकती है सरकार अगर हर पक्ष और हर पहलू को ओपन तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौका दे अपनी बात रखने का तो आप जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ बात करिए जुडिशियल रिफॉर्म्स का मतलब है कि केस अगर कोर्ट में गया हुआ है तो उसकी सुनवाई का एक नियत समय होना चाहिए सत्तर सत्तर साल तक क्यों कोई मामला चलता है आवश्यकता है न्यायपालिका के अंदर कार्य में देरी ना हो न्यायपालिका में सुधार लाइए लोकतांत्रिक तरीकों में सुधार लेकर आइए इस तरह की सरकार लाइए जिसकी वजह से लोगों को अपनी मांगे पूरी होती हुई दिखें। अकाउंटेबल गवर्नमेंट लाइए सरकारें जो अपने मैनिफेस्टो में वादे करें उन वादों को अगर पूरा नहीं कर पा रही हैं तो फिर उनके आधार पर ओपन डिबेट जैसे अमेरिका में चलती है वैसे करिए नंबर तीसरा यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है डेमोक्रेसी की उस प्रक्रिया को अपनाइए क्या शेडो गवर्नमेंट बनाइए गवर्नमेंट क्या होती है अगर आज हमारे केंद्र में एक पार्टी की सरकार है तो अपोजिशन पैरलली वैसी, वैसी सरकार कैबिनेट में बनाए सॉरी संसद में बनाए यूके में क्या होता है हमने वेस्ट मिनिस्टर मॉडल अपना तो लिया लेकिन उनकी बातें नहीं अपनाते क्या वहां पर अकाउंटेबिलिटी तय है अगर कोई भी घटना होती है तो मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाता है आप सोचिए कितनी बार वहां पर पीएम बदल गए ऋषि सुनक प्रधानमंत्री कैसे बने बने ही ऐसे क्योंकि उनको अकाउंटेबल तरीके से तय किया गया था ऐसे ही अगर कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार तय कर दिया गया है कि यह व्यक्ति इसके राज में ऐसा हुआ तो उसे पद से हटना होगा ऐसा होता है यूके के अंदर हमारे देश में भी बनाइए कि अगर रेल दुर्घटना होती है तो मंत्री महोदय को हटना पड़ेगा पेपर चोरी होता है सीएम को हटना पड़ेगा अगर हमारे देश के अंदर कहीं चोरी होती है तो वित्त मंत्री को हटना इस प्रकार से अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाई और शेडो गवर्नमेंट क्या है आप अपोजिशन के नाम पर केवल संसद छोड़ के भागिए नहीं आप कहिए कि वित्त मंत्री महोदय आपने ये जो बजट प्रस्तुत किया है अगर मैं होता वित्त मंत्री तो मैं इस तरह का बजट बनाता जिसमें इस योजना के लिए इतना होता अपोजिशन अपने मंच का सोशल मीडिया का जनता के सामने जाने का पूरी तरह से उपयोग करते मेरे प्यारे साथियों हमारे देश ने गांधी जी के समय तब आजादी पाई थी जब सब तरह से हमारी अभिव्यक्ति को रोका जाया रोका हुआ था प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी सोशल मीडिया नहीं था हमारे पास कोई तरीका नहीं था अभिव्यक्ति का तब भी एक डंडी लेकर चले हुए व्यक्ति ने अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया था अगर वास्तविकता में हमारे राजनेता राजनीतिक शक्ति से परिपूर्ण हो तो पद यात्राएं करें पूरे देश के अंदर जनता से जुड़े जनता की मांगों को उठाएं कहां आवश्यकता है सोशल मीडिया की हमारे देश की जनता बैठकर नुककर चौराहें चौराहे पर सुनती है नेताओं को इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की गांधी जी ने अंग्रेजों के काल में जब कुछ नहीं था तब जाके अंग्रेजों को भगा दिया था राजनेताओं को आवश्यक

पार्टी के मेंबर अगर दूसरी पार्टी में मिलते हैं तो इसे वैलिड किया हुआ है बदल दीजिए ना कानून इसको 100 परसेंट कर दीजिए 100 परसेंट पार्टी मर्जर करेगी तो मर्जर कहलाएगा एक भी व्यक्ति गया तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा लीजिए कानूनी तो बनाना है दूसरा अभी आपके अंदर जो नगर पालिका नगर निगम के अंदर देखने को स्थितियां मिलती है बाड़ेबंदी मिलती है हॉस्ट रेडिंग मिलती है बदलिए ना इसको कैसे बदल सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में लोकल है जो, लोकल जो बॉडीज है नगर नगर निगम पंचायती राज कवर नहीं है करिए ना कवर इनको नंबर तीसरा सुनिए अभी तीसरी जो राज्यसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग की बात है राज्यसभा के अंदर जो वोटिंग है उसको लाइए ना एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर बच जाएंगी सारी चीजें जो आवश्यकता है सख्त कानूनों की सख्त नीति की डेमोक्रेसी के सुधार की अमेरिका से ब्रिटेन से हमने बहुत सी अच्छी चीजें ली हैं लेकिन राजनीतिक सुधार में डेमोक्रेटिक सुधार में अभी ब्रिटेन से हमको बहुत कुछ लेना बाकी है हमने जब बहुत सारी चीजें दो तिहाई हमारा संविधान एज इट इज कट कॉपी पेस्ट है दुनिया भर का हम उठा करके लगा के सीधा बना लिए हैं तो उठाइए ना परिवर्तन कीजिए डेमोक्रेसी में बहुत सारे परिवर्तन कीजिए तो आवश्यकता हमें सुधार की है निराश होने की नहीं है और जब तक बात हो भीड़ तंत्र की बहुमत की या फिर लोकतंत्र के नाम पर कहने की कि मेजोरिटेरियन की सरकार है तो भाई देश के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे शुरुआत में संविधान सभा

कि यदि आप इतनी देर तक इस सेशन को सुन लिए हैं और आपको अगर लगता है कि इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे व्यूअर्स का आंकड़ा बदलकर 41.6 परसेंट तक तो आ चुका है यानी व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनमें से अभी भी इकतालीस लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब में जीरो दशमलव लगता है क्लिक करना होता है बस कोई चार्ज नहीं ठीक है अगर लगता है तो करिए बाकी कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए बाकी अपनी तरफ से छोटा सा प्रयास था ठीक लगा हो तो साथियों से साझा जरूर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद